नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका यूनिक कॉइन के एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी सिक्के के बारे में मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ आज, या फिर किसी नोट के बारे में भी नहीं, बल्कि आज जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो मार्केट में कॉइन्स आते हैं तो असल में वो किस कितने फेज़ में आते हैं। देखिए अभी तक मैंने सबका सिर्फ आपको ये बताया था कि नॉर्मल कॉइन्स आते हैं और कॉमोडिटी कॉइन्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जो बनते तो हैं लेकिन हमारे पास नहीं आते। तो आज जो है हम उसके बारे में उस टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन्स। तो ऐसे जो कॉइन्स हैं दोस्तों, हम जो कॉइन्स मार्केट में नॉर्मली आते हैं, हमेशा आते हैं, वो तो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं। और कुछ कॉइन्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिक्के हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये इसे हम कॉमोडिटी कॉइन्स कहते हैं। अब कॉमोडिटी जो कॉइन्स होते हैं दोस्तों उनमें भी 3 वेराइटीज़ होती हैं दोस्तों। कॉमोडिटी कॉइन जो कि मार्केट में सर्कुलेशन में तो आ जाते हैं, पर कुछ कॉइन्स होते हैं जिन्हें कि कॉइन कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि वो कॉइन्स मार्केट में आते नहीं हैं, वो कॉइन्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको RBI से लेना पड़ता है। मतलब कि उनकी जो वेबसाइट होती है, जो मिंट मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट या नोएडा मिंट से जो है आपको वो वहाँ से आपको बाय करना पड़ता है आपको। तो वहाँ उसे जो है UNC सेट और प्रूफ सेट का के दो तरीके से जो है उसे हम समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको दो तरीके की कॉइन मिलेंगे, एक तो होगा UNC सेट और होगा दूसरा होगा दोस्तों प्रूफ सेट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लोटोस का 10 रुपये का सिक्का है दोस्तों, ये पुराना सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है ये। तो ये जो है दोस्तों ये प्रूफ सेट का सिक्का है, यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपीज़ प्रूफ 1971 बॉम्बे मिंट बी मार्क फूट फॉर ऑल सन एबो। तो दोस्तों ये वाला जो सिक्का, तो दोस्तों ये जो सिक्का था ये आप देख सकते हो ये प्रूफ सेट का सिक्का है। तो अब प्रूफ सेट और UNC सेट क्या होता है, देखिए ऑनलाइन में जो है हम जाकर या फिर हम डायरेक्टली भी उनके काउंटर्स होते हैं वहाँ से हम उसको परचेज कर सकते हैं। ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है, आपको अलग अलग मिंट के सिक्के आपको उनकी अलग अलग वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो जो है आपको कुछ महीनों में वो आपको आपके एड्रेस में मिल जाएंगे। और ये सिक्के काफ़ी महंगे भी होते हैं दोस्तों, प्रूफ सेट और UNC सेट जब आप परचेज करते हो तो वो 1500, 2000, 2500 और उससे भी ज़्यादा जो है आपको एक या दो सिक्के आपको मिलते हैं दोस्तों। तो आप बता दूं कि नॉर्मल सिक्के और इन सिक्कों में फ़र्क क्या होता है। तो जो नॉर्मल सिक्के होते हैं दोस्तों वो तो मार्केट में आ जाते हैं, उनमें कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होता है, किसी की शेप थोड़ी ख़राब हुई होती है, ऐसा कॉइन्स होते हैं और नॉर्मल कॉइन्स होते हैं। पर अगर हम UNC सेट की बात करें, सबसे पहले हम UNC सेट की बात कर लेते हैं। तो UNC जो कॉइन होते हैं दोस्तों वो कॉइन्स जो है वो कुछ स्पेशल मतलब कुछ खास तरीक़ों से उन कॉइन्स को उनके कॉइन्स की ढलाई की जाती है। और आप उन कॉइन्स को देखोगे दोस्तों वो कॉइन्स एकदम शार्प होते हैं, मतलब कि वो उनके कोई लेटर्स का जो लेटर्स होता है वो उठा हुआ होता है और पूरा प्रिंटिंग जो है एकदम मतलब उसकी प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी होती है। इस प्रिंट से वो प्रिंट बहुत ही अलग होता है, आप देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो प्रिंट और इस प्रिंट में। और जो दूसरा है दोस्तों वो है प्रूफ सेट। तो प्रूफ सेट में जो होता है वो UNC और प्रूफ सेट 90 और 100 है दोस्तों, मतलब उनमें फ़र्क इतना ही होता है। ये अगर 90 UNC सेट है तो वो 100 होता है जो क्वालिटी होता है, मतलब वो दोनों बहुत ही करीब होते हैं। और UNC सेट जो है वो आपको देखने को एकदम मतलब फाइन कंडीशन में होगा और प्रूफ सेट जो होगा वो एकदम शार्प कंडीशन में होगा, मतलब UNC सेट से भी साफ कंडीशन में होगा। उसकी लिखाई, उसकी जो बनावट होगी, हर चीज़ उसमें जो है पूरी शार्प तरीके से वो चीज़ होता है दोस्तों। तो ये है, ये एक UNC सेट, ये सर ये एक प्रूफ सेट है दोस्तों। और ऐसे सेट आते रहते हैं। ये वाला जो टेलीकम्युनिकेटिव का सिक्का है दोस्तों, ये इसका रिवर्स साइड है और इसका जो अपोजिट साइड है वो दूसरी ओर है। ये 2 रुपये और 2 रुपये का सिक्का यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटा वाला, और बड़ा वाला शायद 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का है दोस्तों शायद। तो ऐसे जो है सेट आते हैं दोस्तों, 1, 2, 5, 7 सिक्के, 5 सिक्के तो नहीं आते, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी आते हैं, या फिर उससे भी बड़े सिक्के 100 रुपये, 150 वाले सिक्के आते हैं UNC और प्रूफ सेट्स में।
और ये आप देख सकते हो, ये एक प्रूफ सेट है दोस्तों, आप देख सकते हो ये प्रूफ सेट है, ये एक भारतीय स्टेट बैंक का सिक्का, आपने ये सिक्का देखा होगा 5 रुपये में, ये प्रूफ सेट है। यूएनसी और प्रूफ सेट्स में जो है 100, 200, 125 के और 75 रुपीज़ के सिक्के भी आते हैं दोस्तों, और बीच बीच में तो 1000 तक के भी सिक्के मिल जाते हैं आपको कभी कभार देखने को। तो ये सिक्के जो है ये आपको यूएनसी सेट या फिर प्रूफ सेट में ही मिलेंगे। और असल में जो प्राइस होती है ना दोस्तों, मतलब कि आप देखते हो कि ये कॉइन इतना हो गया, ये कॉइन इतना हो गया, असल में वो जो प्राइस कॉइन की उतनी ज़्यादा होती है वो यूएनसी और प्रूफ सेट्स की होती है। नॉर्मल कॉइन बहुत ही रेयर है कि वो 1000, 1500, 2000 बिक जाए, और पर ये कॉइन्स दोस्तों इनकी स्टार्टिंग ही आपको 1500, 2000, 2500, 3000 में ही होता है, क्योंकि आप जब यूएनसी सेट या प्रूफ सेट खरीदते हो तो वो 1000, 1500 का तो आपको पड़ता ही है, तो उसमें आप फिर प्रॉफिट लोगे तो वो 2000, 2500 का आप बेचते हैं, ये जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, और ये ज़्यादातर कॉइन कलेक्टर्स ही कलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कॉइन्स खरीदने का अगर खरीदना है यूएनसी या प्रूफ सेट, तो उसके लिए मैं आपको बाद में एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो ख़रीदा कैसे जाता है, और उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, वो आपको ख़रीदना पड़ता है, वो 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ में जो है वो आपको वो कॉइन मिलते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज किया तो 1 महीने 2 महीने में मिल जाएंगे, वो कॉइन्स बहुत मतलब लगभग 6-7 महीने में वो कॉइन्स आपको मिलते हैं। और ये दोस्तों देखिए, ये भी एक प्रूफ सेट है, और देख सकते हो आपको यहाँ पर जो है सारे 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, और ये प्रूफ सेट है दोस्तों, देख सकते हो आप प्रूफ सेट है, और इनके आप कंडीशन देख सकते हो दोस्तों, बेहतरीन कंडीशन के कॉइन हैं ये सारे के सारे। ये देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सेट, 50 पैसे और 10 रुपये का कॉइन दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे, बॉम्बे मिंट का कॉइन है ये, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये सेट्स होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 50 पैसा है और 10 रुपीज़ है, और ये भी देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए ये एक आपको सेट मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे सेट आते हैं डायरेक्टली आरबीआई की ओर से, जो है ये मिंट, जो मिंट मार्क होते हैं, जो मिंट मिंटेज होती है, वहीं से ये आपको सेट मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, 1 रुपये का, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं यहाँ पे, और 20 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का, 5 पैसा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये एक यूएनसी सेट है, तो ऐसे आपको सेट्स मिल जाएंगे दोस्तों। और असल में इन्हीं सेट्स की जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल जो आते हैं हमारे मार्केट में जो कॉइन्स आपको मिलते हैं वो वाले कॉइन्स जो है वो आपको इतना रेट नहीं देते। कुछ कॉइन्स होते हैं जिनकी मिंटेज लो होती है, या फिर कुछ एरर हो गया मान लो, तो जो है वो कॉइन्स आपको ज़्यादा रेट देते हैं, वरना आपको जो है ऐसे वाले सेट्स आप अगर आपको मिल जाए कहीं से, कोई प्रूफ सेट या यूएनसी सेट, प्रूफ सेट तो बहुत महंगे होते हैं दोस्तों, यूएनसी सेट अगर आपको मिल जाए तो वो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों ऐसे कवर में आते हैं दोस्तों, ये असल में यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने भी ये जो आपको दिखाया ये सब तो मतलब उसका जो है बैक साइड है, या फिर उसको खोला गया है ऐसे दोस्तों, ये ऐसे वाले कवर में आते हैं, आप देख सकते हो हर कॉइन में जो है दोस्तों ये ऐसे आपको कवर में मिलेगा। ये राष्ट्र, देखिए राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष का ये सिक्का है, 60 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉमनरेटिव कॉइन है ये वाला 2009 का, और बीच में जो है ये आप देख सकते हो ये वाला असल में कॉइन है दोस्तों, ये वाला जो है कॉइन का एक लोगो दिखाया गया है यहाँ पर, और नीचे जो है दोस्तों आप देख सकते हो राइट साइड में लिखा गया है प्रूफ सेट, 2 कॉइन्स प्रूफ सेट है ये, और इसके अंदर जो है 2 कॉइन्स हैं। ये जो है दोस्तों ऐसा पैक पैक होके आपको पूरा मिलेगा, और उसके अंदर जो है आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, प्रूफ सेट या फिर यूएनसी सेट जो भी हो वो जो है आपको सेट के साथ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि दोस्तों आज मैंने बस इसी के लिए ये यही टॉपिक आपको कवर करके दिया कि यूएनसी सेट और प्रूफ सेट क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग ये ढूंढ रहे हैं कि किसी के पास कौन सा सिक्का है, तो वो ऑनलाइन में देखते हैं कि ये वाला सिक्का इतना इतना रेयर है, और लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज़्यादातर आपको ये समझना होगा कि कौन से कॉइन्स जो हैं वो रेयर होते हैं, और किस कॉइन की कितनी कीमत मिलती है, और ज़्यादातर जो अभी जो जनरल मार्केट में, अगर अभी अगर आप नॉर्मल मार्केट की बात करें तो ज़्यादातर प्रूफ सेट और यूएनसी सेट्स के ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ रेयर कॉइन्स हैं जिनके पैसे आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको जो है हमारा मेरा जो अगला सीरीज आने वाला है, 1 रुपये और 5 रुपये के ऊपर जो हमारे
वीडियोस थे दोस्तों वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। 1 रुपये की सीरीज आपको दे चुका था, 5 रुपये के अभी तक जितने भी सिक्के मिले हैं निकले थे उनके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बना दिया। और जो अगला वीडियो होगा दोस्तों वो होगा 10 रुपये के ऊपर, 10 रुपये के कुछ ऐसे सिक्के जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, जो सिक्के की अभी मार्केट में चल रहे हैं और कुछ सिक्के जो कि मार्केट में नहीं चल रहे, जो कि पहले वाले 10 रुपये के कॉइन्स थे, तो उनके बारे में जो है उनमें रेयर वेराइटी कौन सी है और वो आपको कितने पैसे दे सकते हैं उनके ऊपर जो है मैं आपको 1 या 2 दिन में आपको जो है एक नया वीडियो दूंगा और उसमें जो है मैं आपको 10 रुपये के कॉइन्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मेरे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं कॉइन्स और नोट्स के बारे में जो है नई जानकारी आपको देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।